उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा शिकायतों एवं द्वितीय अपीलों की ई फाइलिंग एवं ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा के लिए एनआईसी द्वारा निर्मित नवीन सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप कंप्लेंट एंड अपील ट्रैकिंग सिस्टम यूपी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, इसके शुभारंभ के अवसर पर हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं चाहूंगी अपने तालियों के प्रणाम से आप उन्हें अपने उत्साह और ऊर्जा का आभास दिलाएं। आप सबकी ओर से, हम सबकी ओर से, सबसे पहले मैं मुख्य सूचना आयुक्त श्री भवेश कुमार सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वो हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अंगवस्त्र के रूप में शॉल भेंट करके उनका स्वागत और अभिनंदन करें। और एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन अंगवस्त्र और इस शॉल के माध्यम से आपकी तालियों के साथ। और 22 जनवरी की आह्वान करता, उनकी याद दिलाता प्रभु श्री राम की ये प्रतिमा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से अनुरोध है व्यवस्था को बनाए रखें। और अब मैं मुख्य सूचना आयुक्त श्री भवेश कुमार सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से अपने उद्बोधन से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अतिथिगण का स्वागत करें। मुख्यमंत्री जी, सर्वप्रथम मैं पूरे आयोग परिवार की तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ कि जो बारिश के कारण उसमें कुछ व्यवधान उत्पन्न हो गया, इस जगह में ये व्यवस्था करनी पड़ी। मुझे त्रुटि होगी तो आप उसके लिए क्षमा करेंगे। परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, हमारे सहयोगी सभी राज्य सूचना आयुक्त, आयोग के सभी अधिकारी और कर्मचारी, पत्रकार साथियों, भाइयों एवं बहनों, आज हम सबका यह परम सौभाग्य है कि परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित हैं। अपने प्रांगण में माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन पर पूरा आयोग परिवार अत्यंत आह्लादित एवं आनंदित है तथा परम हर्ष और गौरव की अनुभूति कर रहा है। पूरे आयोग परिवार की तरफ से मैं अपने यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन व अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हम सबों को भली भांति मालूम है कि 7 वर्ष पूर्व जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश शासन की बागडोर संभाली, उस समय प्रदेश के हालात क्या थे, तस्वीर क्या थी और प्रदेश के बारे में धारणा क्या थी और आज क्या है। आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बहुत बदल चुकी है। बहुत ही प्रगति से प्रदेश का औद्योगिक एवं आर्थिक विकास हुआ है। भ्रष्टाचार और अपराध से मुक्त कानून व्यवस्था का राज कायम हुआ है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी एक संत और सन्यासी ही नहीं, अपराधियों, आतंकियों, अत्याचारियों के लिए महाकाल हैं। विकास की गंगा को प्रवाहित करने वाले भगीरथ हैं, दीन दुखियों के लिए दीनानाथ हैं, धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के लिए सैनिक एवं सेनापति गुरु गोविंद सिंह हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिद्ध किया है कि योगी होने का अर्थ एकांत में बैठकर योग साधना करना ही नहीं, अपितु कर्मठ एवं कर्मयोगी होना भी है। संत का अर्थ लोक जीवन से विरत होना नहीं, अपितु लोक सेवा में निरत होना है तथा सन्यासी का अर्थ केवल गृह त्याग और काशी वस्त्र धारण करना ही नहीं, अपितु लोक हित, लोक कल्याण और लोक सेवा में अपने जीवन को समर्पित करना और त्याग करना है।
माननीय मुख्यमंत्री जी त्याग सेवा समर्पण एवं साधना की प्रतिमूर्ति हैं। ऐसे दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न लोक सेवा को समर्पित व्यक्तित्व कर्मशील कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हम श्रद्धावान हैं और आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें पाकर अपने को धन्य मानते हैं। उनका स्नेह एवं आशीष प्राप्त करने के लिए हम सभी उनका स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 205 के अंतर्गत 2005 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना द्वारा 2005 में हुआ था। शुरू में इस आयोग का कार्य इंदिरा भवन में संचालित हुआ और वर्ष 2016 से इस नवीन आरटीआई भवन में कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं न्यस्त कर्तव्यों के अंतर्गत सूचना के अधिकार के संबंध में प्राप्त शिकायतों एवं द्वितीय अपीलों का निस्तारण करता है। आयोग में पंजीकृत शिकायतों और द्वितीय अपीलों के निस्तारण में आयोग का कार्य एवं कार्यप्रणाली अभी तक ECIS इलेक्ट्रॉनिक केस इंफॉर्मेशन सिस्टम से संचालित होती थी। यह बताते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि आज आपके करकमलों से लोकार्पण होने के उपरांत सूचना आयोग का कार्य एक नए सॉफ्टवेयर से संचालित होना शुरू हो जाएगा। यह बताते हुए भी हमें हर्ष का अनुभव हो रहा है कि विगत 7 वर्षों में आपके द्वारा प्रदेश की शासन व्यवस्था में पारदर्शिता लाने जवाबदेही लाने भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए शासन के संपूर्ण कार्य को कंप्यूटरीकृत कराने पेपरलेस कराने ऑनलाइन कराने का जो प्रयास किया गया उसी से प्रेरणा और अभिप्रेरणा प्राप्त करके उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा लोक कल्याणार्थ इस सॉफ्टवेयर को विकसित कराने का निर्णय वर्ष 2022 में लिया गया और NIC के पर्यवेक्षण में इस सॉफ्टवेयर को विकसित कराना शुरू किया गया। शिकायतों एवं अपीलों की ई फाइलिंग इनकी ऑनलाइन सुनवाई तथा आयोग के समस्त कार्य हेतु ऑनलाइन व्यवस्था के लिए इस सॉफ्टवेयर का निर्माण पहले से ही आयोग द्वारा स्वेच्छा से कराया जा रहा था, किंतु अभी नवंबर 2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय सूचना आयोग सहित देश के सभी राज्य सूचना आयोगों में शिकायतकर्ता एवं अपीलों की ई फाइलिंग तथा आवेदक के विकल्प के अनुसार शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई हाइब्रिड मोड अर्थात ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन की व्यवस्था दिसंबर 2023 तक सुनिश्चित करने के आदेश पारित किया गया। अब उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में यह सॉफ्टवेयर तैयार है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से इसका शुभारंभ होने पर प्रदेश के सभी नागरिकों को अब ई फाइलिंग और ऑफलाइन के विकल्प के साथ साथ ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा भी प्राप्त हो जाएगी। हमें यह बताते हुए भी अपार हर्ष और गौरव की अनुभूति हो रही है कि इस सॉफ्टवेयर का शुभारंभ करके नागरिकों को ई फाइलिंग और ऑनलाइन सुविधा सुनवाई की सुविधा प्रदान करने में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग देश का प्रथम राज्य सूचना आयोग होगा। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग प्रदेश के सर्वतोमुखी विकास एवं प्रगति में प्रदेश सरकार का सदैव सहभागी एवं सहयोगी रहेगा। हम सदैव प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और सुभाषी के आकांक्षी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि आज नवनिर्मित सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप का लोकार्पण करके अपना स्नेह और आशीष हमें प्रदान करें। मैं अपनी तरफ से तथा पूरे आयोग परिवार की तरफ से एक बार पुनः अपने यशस्वी परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तथा आज यहाँ आए अपने सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा
शिकायतों और द्वितीय अपीलों की ई फाइलिंग और ऑनलाइन सुनवाई के लिए निर्मित सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप का उद्घाटन करने की कृपा करें। बटन के दबते ही खुला था। एक नए खंड का प्रारंभ, एक नया अध्याय जो श्रम, समय और संसाधन सबकी बचत करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। ईमानदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही, भ्रष्टाचार निषेध और सुरक्षा तथा सम्मान के साथ सुशासन की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें आपकी तालियों के अभिवादन के साथ। सूचना आयोग के नवीन सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप के लोकार्पण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त श्री भावेश कुमार सिंह जी, राज्य के हमारे सभी राज्य सूचना आयुक्तगण, अन्य सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित महानुभाव और बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग को अपने इस नवीन सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। लोकतंत्र की एक कसौटी है कि जनता का शासन है तो जनता को त्वरित एवं समयबद्ध तरीके से न्याय प्राप्त हो सके, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था मिल सके, पारदर्शी शासन की व्यवस्था व केवल भाषणों का मुद्दा न बने बल्कि व्यवहारिक धरातल पर भी उसे हम सब देख सकें, इन सब के लिए टेक्नोलॉजी आज के परिप्रेक्ष्य में कार्य के त्वरित विस्तारण को लेकर के, भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने को लेकर और समयबद्ध तरीके से मेरिट के आधार पर किसी भी कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण करने की दृष्टि भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूचना का अधिकार 2005 इसी उद्देश्य से देश के अंदर लागू किया गया था कि कोई भी व्यक्ति शासन से संबंधित किसी भी कार्य को अपने उस अधिकार का सही उपयोग करते हुए शासन से जानकारी हासिल कर सके। अक्सर होता है हम घोषणाएं बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन सामान्य जीवन में हमें देखने को क्या मिलता है, एक मामले को कोई व्यक्ति निस्तारित करने के लिए भेजता है या शासन में या किसी भी संस्थान में तो वर्षों वर्षों उन कार्य को वहां पे लगता है। मैं अक्सर शासन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों की इन बातों को देखता हूं कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम किसी नागरिक के जीवन में कितना आसान और सुगमतापूर्ण तरीके से उसके जीवन को हम एक नई राह दिखा सकते हैं, ये मुझे अक्सर शासन के विभिन्न कार्यों में देखने को मिलता है। आप पहले देखते रहे होंगे राजस्व से जुड़े हुए मामले कितना देर होता था, वरासत के मामले पिता के बाद उसके पुत्र को वरासत स्वतः स्फूर्त भाव के साथ
एक ऑटो मोड में होना चाहिए, लेकिन वह कुछ चंद कार्मिकों और अधिकारियों के अकर्मण्यता और उनके अनिर्णय के कारण वर्षों वर्षों फंसा रहता है, और फिर वर्षों वर्षों फंसने का मतलब उसमें नए विवाद खड़े होते हैं, नए लोग दावेदार खड़े होते हैं, और छोटे से यानी जो छोटी सी समस्या, छोटी कोई समस्या नहीं थी, एक हक था, एक अधिकार था, उस अधिकार में नए दावेदारों का आने का मतलब एक नया विवाद खड़ा होना, और फिर वहीं से कानून व्यवस्था के लिए एक नया संकट भी खड़ा होता है। वरासत से जुड़े हुए मामले हो, पैमाइश से जुड़े हुए मामले हो, नामांतरण से जुड़े हुए मामले हो, एक स्वतः स्फूर्त भाव के साथ होने चाहिए। मुझे याद है जब 2017 में मैं आया था, मैंने इसी बात को पूछा था, मैं राजस्व विभाग की समीक्षा कर रहा था, मैंने इसी बात को लेकर पूछा था। मैंने कहा कि बताओ मुझे कि ये 12 लाख से अधिक मामले क्यों पेंडिंग पड़े हुए, वरासत से जुड़े हुए, पैमाइश में उससे ज्यादा मामले पेंडिंग थे, आखिर क्यों नहीं हम इसका समाधान करते हैं और कितने दिन होने चाहिए? 45 दिन के अंदर समस्या का समाधान होना है तो 45 दिन तक सभी लोग इंतजार करेंगे और फिर 45 दिन से उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, फिर वर्षों लग जाएंगे। शासन की मंशा स्पष्ट थी कि 45 दिन के अंदर उस समस्या का समाधान होना है, न कि 45 दिन से कार्रवाई प्रारंभ होनी है। लेकिन जब कोई जवाबदेही नहीं होती है तो 45वें दिन से वह कार्रवाई प्रारंभ होती है, फिर 45 वर्ष लग जाते हैं। और जब हम लोगों ने मिशन मोड पर कार्यक्रमों को किया, अगले 2 महीने के अंदर लाखों मामले स्वतः स्फूर्त भाव के साथ निस्तारित होते हुए दिखाई दिए, और फिर यहीं से हम लोगों ने शुरू किया था जन सुनवाई पोर्टल, IGRS पोर्टल का। फिर IGRS पोर्टल में भी बहुत सारे लोग गांव में ऐसे थे जिनके पास उस समय स्मार्टफोन नहीं थे, या जो लोग उस पोर्टल के माध्यम से अपनी समस्या को नहीं शासन तक पहुंचा सकते थे, क्योंकि हर व्यक्ति जनता दर्शन में आए, हर व्यक्ति अपना एप्लीकेशन लेकर के यहां तक पहुंच जाए, हर व्यक्ति ईमेल कर ले, हम उसको उसके पास जो मौजूदा तंत्र है उस तंत्र का उपयोग करने का एक अधिकार दे सकें, तो हमने IGRS की अपनी पद्धति विकसित की, जो अपने सिस्टम से, अपने स्मार्टफोन से एक शिकायत दर्ज कर सके, बता सके, और फिर सिस्टम इस बात के साथ जोड़ा गया कि वह इस बात को जवाबदेह बने कि आखिर कहां से इस समस्या का समाधान होना है। फिर लगा कि बहुत सारे लोगों को इसमें भी काम करने में दिक्कत होती है, तो हमने एक CM हेल्पलाइन 1076 जारी की। CM हेल्पलाइन जारी करते समय जब लोग आए तो उन्होंने कहा कैसे होगा, मैंने कहा इसका उद्देश्य एक ही है, शिकायतकर्ता की संतुष्टि। आप तब तक मामले का निस्तारण नहीं लिख सकते जब तक कि शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है। हाँ, हमें मेरिट जरूर तय करनी है कि उसकी शिकायत अगर सही है तो समस्या का समाधान होना चाहिए और उसमें शिकायतकर्ता की संतुष्टि होनी चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे कि पहले वर्ष ही 2017-18 में हम लोगों ने 22 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण किया और इन 2 प्लेटफॉर्म के माध्यम से 22 लाख से अधिक मामलों। पब्लिक के संतुष्टि का लेवल जब बढ़ता है तो यही ईज ऑफ लिविंग होता है, ईज ऑफ लिविंग का रास्ता यहीं से प्रारंभ होता है। एक बिजनेसमैन और एक व्यवसायी का जब संतुष्टि का लेवल बढ़ता है तो यही आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कार्य पद्धति को गुणवत्तापूर्ण तरीके से एक मेरिट के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य करता है, और यह हमें जीवन के हर एक फील्ड में दिखा के करना होगा। टेक्नोलॉजी मौजूद है, उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अगर हम कार्य करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसके परिणाम भी हमारे सामने आएंगे, और इसमें हम दोनों चीजें कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर को हम इस तरीके से तैयार कर सकते हैं कि जो पेशेवर लोग हैं
जो केवल दूसरों को परेशान करने के लिए किसी कानून का दुरुपयोग करते हैं उन पे भी लगाम लगाया जा सकता है, लेकिन एक जरूरतमंद को समयबद्ध तरीके से पारदर्शी तरीके से उसका अधिकार दिलाने में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं और ये बहुत आसानी से हो सकता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर खाद्यान्न घोटाले चलते थे, बड़े बड़े खाद्यान्न घोटाला होता था, जिले के जिला गरीबों का खाद्यान्न उठा दिया जाता था। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री बना था उससे 3 महीने पहले मुझे कुछ जनपदों का दौरा करना पड़ा था एक सांसद के रूप में, क्योंकि वहां पे भूख से मौतें हुई थी। और मुझे याद है जब मैं चुनाव के दौरान मैं दिल्ली से एक इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट से आ रहा था तो मेरे बगल में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन प्रमुख सचिव खाद्य मेरे साथी बैठे हुए थे, कोई परिचय नहीं था लेकिन उन्होंने मुझे परिचय दिया, अपना विशेष कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में खाद्य का प्रमुख सचिव हूं। तो मैंने कहा राशन की व्यवस्था को आप ही देखते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आप ही देखते हैं। उन्होंने कहा, मैंने कहा भूख से मौतें फिर क्यों हो रही? उन्होंने कहा नहीं कोई मौतें नहीं हो रही। मैंने कहा देखो 2-3 जनपदों में तो मैं स्वयं होकर के आया। खैर उन्होंने नकार दिया तो मैं बाकी कुछ पूछ भी नहीं सकता था। खैर उसके एक सप्ताह के बाद ही मैं ही मुख्यमंत्री बना तो मैंने उनको फिर बुलाया। मैंने कहा उस दिन फ्लाइट में हम दोनों साथी थे ना, उन्होंने कहा कि चुपचाप थे। मैंने कहा कि बताओ भूख से मौतें हुई है मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैं उन जनपदों का दौरा किया हूँ, परिवारों से मैं मिला हूँ, ये भूख से मौतें क्यों? सरकार के पास खाद्यान्न है, सरकार ने पर्याप्त मात्रा में राशन कार्ड जारी किए हैं। तो मैंने उसी दिन हर जनपद की टीम बनाई थी, 80,000 राशन जो हमारे पास फेयर प्राइस शॉप्स हैं 80,000 से अधिक है, और मैंने कहा एक साथ 80,000 राशन की दुकानों में छापेमारी होगी। एक साथ हमने एक दिन में सभी दुकानों में एक साथ छापेमारी की, 30 लाख फेक राशन कार्ड हमें प्राप्त हुए थे जिनके नाम पे राशन निकलता था लेकिन किसी जरूरतमंद को राशन नहीं मिलता था। तो ये हमारे पास रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड होने के बाद फिर हमने कहा कि अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सेल मशीन लगाएंगे, ई पॉस मशीन लगाएंगे। इस मशीन के द्वारा हमारा सॉफ्टवेयर हमें हमारे डैशबोर्ड में बता देगा कि किस राशन की दुकान में मशीन के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, कहां घटतौली हो रही है, कहां मशीन को बाहर ले जाया जा रहा है और लोगों ने पहले थोड़ा दिखाने का प्रयास किया कि साहब ये अन्याय है, बड़े बड़े लोग इसमें कूदे। हमने कहा अन्याय ये नहीं, अन्याय वो था जो किसी गरीब के हक पे टाका डालता था, ये 30 लाख फेक राशन कार्ड उसके प्रमाण। दोनों कार्यक्रम एक साथ चलाए, एक तरफ मशीन लगानी शुरू की और दूसरी तरफ जरूरतमंदों को राशन कार्ड भी उपलब्ध करवाए गए। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं कह सकता हूं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देश के अंदर सबसे उत्कृष्ट कोटि का है। आज के दिन में मैं कह सकता हूं कि 96% से लेकर 98% लोग उत्तर प्रदेश की फेयर प्राइस शॉप में अपना खाद्यान्न प्राप्त करते हैं बिना किसी घटतौली के, बिना किसी देरी के उन्हें यह प्राप्त होता है और इसका हमें भी लाभ हुआ। राज्य सरकार को 1200 करोड़ रुपए की सालाना बचत भी हुई। यानी राशन, क्योंकि मार्केट में जो दाम होता है उसकी तुलना में हम बहुत सस्ते दाम पर देते हैं और अब तो फ्री दे रहे हैं। ये जो बीज का पैसा था ये सरकार देती थी लेकिन उतनी जब हमारी बचत हुई तो उतनी बचत से हम अन्य वेलफेयर की स्कीम को निकाल करके लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं। और अब हम लोगों ने फेयर प्राइस शॉप को भी मॉडल फेयर प्राइस शॉप बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया और ये हर एक फील्ड में क्या टेक्नोलॉजी जीवन में परिवर्तन लाने का माध्यम बन सकती है, बहुत सशक्त माध्यम बन सकती है। लेकिन हमें
इसका उपयोग करना होगा, दुरुपयोग करने वालों को भी रोकना पड़ेगा। पब्लिक के मन में विश्वास आएगा, सूचना का अधिकार कानून उसी का एक सशक्त माध्यम है। सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप अब किसी को फिजिकली आने की आवश्यकता नहीं होगी, वे एक जगह बैठ करके अपना आवेदन भी कर सकते हैं, आवेदन के स्टेटस को भी समझ सकते हैं और फिर उसके निस्तारण और आगे के कार्यक्रम को भी समयबद्ध तरीके से निस्तारित होते हुए देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सूचना आयोग के गठन होने के बाद मुझे प्रसन्नता है कि गत 3 वर्ष में जिस तेजी के साथ मामलों का निस्तारण हुआ, 1,10,000 से अधिक मामलों का निस्तारण हुआ, 50,000 मामले पहले से पेंडिंग थे, 85,000 नए मामले आए, और मैं इस बात को कह सकता हूं कि सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम करते हुए अगर टीम वर्क के साथ इन सभी मामलों का निस्तारण होगा तो आने वाले समय में हम इसको 0 पेंडेंसी तक पहुंचाने में हमें मदद मिलेगी। और वास्तव में यही इस कानून का सचमुच यही कानून की उपयोगिता है और यही एक नागरिक के अधिकार भी है जो लोकतंत्र में एक सामान्य नागरिक को प्राप्त होने ही चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना आयोग आज अपना स्वयं का नवीन सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य सूचना आयोग है। मैं इसके लिए मुख्य सूचना आयुक्त श्री भवेश कुमार सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। और हम इस बात को मानते हैं कि ई फाइलिंग आज की आवश्यकता है, ये बाबू लोग होने नहीं देंगे, क्योंकि उनके मार्ग में सबसे बड़ा बैरियर है ये, क्योंकि वे इन्हीं चीजों का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन हमें सख्ती के साथ उसमें बढ़ना ही पड़ेगा, तभी एक सामान्य नागरिक का लोकतंत्र में विश्वास मजबूत होगा, कानून के राज में उसका विश्वास मजबूत होगा और वह व्यवस्था पर मजबूती के साथ विश्वास करते हुए भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दे पाएगा। और आज हमें इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जीवन में व्यापक परिवर्तन का माध्यम बन सकता है और यही है रामराज्य की अवधारणा। आप सबको इस अवसर पर एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री जगदीश प्रसाद, सचिव उत्तर प्रदेश सूचना आयोग। जैसे एक बहेलिए के द्वारा क्रम पक्षी के जोड़े में एक का बध हुआ, दूसरा उसका जोड़ा
रुतन कर रहा था, रुतन को सुन करके आज तक बाल्मीकि का शोक कविता के रूप में, श्लोक के रूप में फूट पड़ा और आज काव्य की रचना हुई। वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्गार में, उद्बोधन में आम जनता की जिस पीड़ा दर्द को व्यक्त किया और यह बताया कि यह कोई समस्या नहीं है, उसका कार्य नहीं है, उसका हक और अधिकार है और एक लोकसेवक को तो समस्या न मान करके, उसका कार्य न मान करके, उसका हक और अधिकार मान करके और उस कार्य को करना, उसका अधिकार देना एक लोक लोकसेवक के रूप में हमारा कर्तव्य है। इस भावना को उन्होंने व्यक्त किया, उस पीड़ा को, दर्द को और जिसके निराकरण के लिए प्रदेश सरकार ने तकनीक के माध्यम से व्यवस्था को पारदर्शी करने, भ्रष्टाचार को से मुक्त करने के लिए कार्य किया और आज प्रदेश देश और विश्व में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और मैं आयोग की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करता हूँ कि इस तकनीक के माध्यम से सूचना आयोग ने जो पहल की है उसका उद्देश्य भी यही है, तकनीक जनता जो दूर दराज क्षेत्रों से आती है, आने जाने रुकने में उसको जो कठिनाई होती है और विलंब होता है, समय श्रम और संसाधनों का अपव्यय होता है, उन सबकी बचत होगी और ये सूचना का अधिकार उनका अधिकार है। सरकारी कामकाज पारदर्शी हो, सरकारी अधिकारी जवाबदेह हो, उनकी जवाबदेही हो, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले, इस उद्देश्य की पूर्ति में सूचना अधिकार के प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत शिकायतों और अपीलों की सुनवाई करके ये अधिकार आम जनता को ये सूचना आयोग दिलाने के लिए कृत संकल्प है। आज इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और यह आशा करते हैं कि भविष्य में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन व सुभाषीष आयोग को इसी तरह प्राप्त होता रहेगा और आपके मार्गदर्शन और आपसे प्रेरणा और अभिप्रेरणा प्राप्त करके हम जन कल्याण के लिए निरत रहेंगे। यहाँ पर अन्य सम्मानित अतिथिगण जिन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को गर्मा और प्रतिष्ठा प्रदान की, उन सभी एक उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूँ। आज के समारोह में जिस सॉफ्टवेयर तथा मोबाइल ऐप का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ, उसके निर्माण में एनआईसी, यूपी डेस्को, निक्सी, जन का हमें अमूल्य तकनीकी सहयोग प्राप्त हुआ। इन सभी के पर्यवेक्षण और निर्देशन मार्गदर्शन में ही इस सॉफ्टवेयर का निर्माण हुआ है। इन सभी विभागों तथा इनके अधिकारियों, तकनीकी विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के प्रति मैं आयोग की तरफ से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्यक्रम को सुंदर ढंग से, शांतिपूर्वक और सफलता